ब्यावर शहर के मेवाड़ गेट बाहर विनोद नगर लोढ़ा कॉलोनी में विगत 20 फरवरी को रतन प्रकाश कोठारी के मकान में हुई लाखों रुपए की चोरी प्रकरण का पुलिस द्वारा अभी तक खुलासा नहीं करने पर जैन समाज ब्यावर ने आक्रोश जताया है। चोरी प्रकरण का खुलासा नहीं होने से आहत जैन समाज के लोगों ने मंगलवार को उपखंड अधिकारी मृदु सिंह को एक ज्ञापन दिया। एसडीएम सिंह को दिए गए ज्ञापन ने बताया क्या कि 20 फरवरी को शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी तथा समाजसेवी रतन प्रकाश पुत्र धनराज कोठारी के सोने मकान में घुसे अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए के आभूषण तथा नकदी चुरा ली। चोरी की घटना के बाद पीड़ित की ओर से पुलिस प्रशासन को शिकायत भी दी गई, लेकिन करीब 37 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ उक्त चोरी को लेकर खाली है, जिसे समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। ज्ञापन में बताया गया कि विनोद नगर शहर का एक पोश इलाका है, जहां पर चोरी जैसी वारदातें चोरों को बुलंद हौसलों को दर्शाती है, जबकि यहां पर पुलिस द्वारा गश्त की जाती है, लेकिन पुलिस द्वारा चोरी प्रकरणों का समय पर खुलासा नहीं किए जाने के कारण चोरों के हौसले बुलंद है। जैन समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी से उक्त चोरी प्रकरण का शीघ्र खुलासा करवाने तथा चोरों को गिरफ्तार कर माल बरामद करने हेतु पुलिस प्रशासन को निर्देशित किए जाने की मांग की है। इस पर उपखंड अधिकारी ने समाज के पदाधिकारियों को इस हेतु शीघ्र ही डिप्टी मनीष सिंह से मिलकर उक्त चोरी प्रकरण को लेकर चर्चा करने का विश्वास दिलाया। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देने के दौरान जैन समाज के नीलेश बुडर, सुमन धगदा, श्वेता बर्डिया, विनोद चोरडिया, सुशील छाछेड़, दीपचंद कोठारी, रतन प्रकाश कोठारी, बीना रंका, मंजू जैन, मोनिका सकलेचा, इंद्रा सोनी, नंदलाल भंडारी, ओम प्रकाश सोमानी, राहुल ओस्तवाल, कुश मुंद्रा, प्रदीप भंडारी, मोहित भारद्वाज, कमल कुमार जैन, श्रीकांत बिहानी, यशवंत रांका, पीयूष रांका, राजेंद्र ओस्तवाल तथा प्रियंका कटारिया सहित अन्य शामिल थे। मालूम हो कि 20 फरवरी को शहर के विनोद नगर लोढ़ा कॉलोनी में घटित चोरी प्रकरण में कुछ संदिग्ध सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए थे। पुलिस ने इस दौरान उक्त फुटेज भी कब्जे में लिए थे। दिनों में कुछ समय पूर्व ब्यावर के प्रतिष्ठित समाजसेवी और प्रतिष्ठित व्यक्ति रतन प्रकाश जी कोठारी साहब के घर में, जो कि ब्रह्मानंद मार्ग पर स्थित है, उनके घर पे रात को चोरी करी और बहुत बड़ी चोरी हुई है। आज उस चोरी को करीब 40-45 दिन हो गए हैं, लेकिन 45 दिन बाद भी न तो चोरों को पकड़ा गया है, न किसी तरह की माल की बरामदगी हुई है। उससे सभी समाज के सभी प्रतिष्ठित प्रबुद्ध नागरिकों में बहुत असंतोष है, इसलिए सभी ने इकट्ठा होकर आज एसडी महोदय को ज्ञापन दिया है कि महोदय, जिस तरह से ब्यावर जिला बना है, इस तरह की प्रगति हुई है, तो इस तरह की चोरियां भी पकड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नहीं तो ये चोर निरंकुश हो गए हैं और आए दिन चोरियां कर रहे हैं। जब तक इनके ऊपर पुख्ता कार्रवाई नहीं होगी, तब तक चोरियों पर अंकुश नहीं लगेगा। अतः इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए, प्राथमिकता से लेते हुए इसमें चोरों को पकड़ें और माल को बरामदगी करके शहर में एक अच्छा संदेश पुलिस के प्रति जाए और आप प्रशासन के प्रति जाए, ऐसी सबने मांग करी है। और एसडीएम साहब ने कहा है कि मैं डीवाईएसपी साहब से मैं बात करता हूं और इस प्रकरण को गंभीरता से लिखें। यहाँ पे हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं। हमारे परिवार के ही रतन जी कोठारी के यहाँ 1.5 महीने पहले चोरी हुई, जिसका अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम चाहते हैं कि उसकी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और उनके सहयोग दे, पुलिस का सहयोग हमें पूर्ण रूप से चाहिए इसमें।